मैडम से हम बात करेंगे, मन की भाई गाड़ी तो बढ़िया बनाई है, अच्छी निकल रही है ना, बैंड हो रही है कमर इसकी, ये कमर बैंड नहीं होनी थी, ये थोड़ी सी बाहर को होनी थी, जब ज्यादा बढ़िया लगती। हेलो गाइस, जय श्री राम। आज के नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं गर्मी के साथ। मैंने कर दी गर्मी डिक्लेयर क्योंकि मौसम ही ऐसा हो रहा। तो भाई कल के प्रोग्राम काफी शांतिपूर्वक निपट गए, शादी ब्याह के कल बारात थी। तो फिलहाल का ये सीन है कि घर का काम थोड़ा सा होल्ड पे कर रखा हमने क्योंकि घर में शादी के फंक्शन के प्रोग्राम जो आ रहे हैं शादी ब्याह के, तो उस चक्कर में काम थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, एक दिन काम हो रहा है फिर दो दिन के प्रोग्राम है फिर एक दिन काम हो रहा है, इसलिए तो अभी होल्ड कर दिया हमने क्योंकि 26 तारीख का हमारे यहाँ का लास्ट प्रोग्राम है 26 फरवरी का, इसलिए प्रोग्राम जो है हमारे शांत है। अब कुछ टाइम बाद 26 के बाद काम अब शुरू करेंगे हम अपना ऊपर का, उससे पहले करवाने जीने का, क्योंकि बिना जीने का जो काम है ना उसके होगा नहीं, क्योंकि छत पे काम करवाना पड़ेगा तो उसके लिए तो जीना चाहिए, तो ये सिस्टम है अभी हमारा। और भाई चाचा का ब्याह तो हो गया तो आज का जो चाचा का प्रोग्राम है वो है संटा संटी का, संटा संटी हो गया, अंगूठी ढूंढना, कंगना खोलना, ये सारे जो प्रोग्राम है ये होंगे ट्रेडिशनल। लेकिन उससे पहले हमारे भ्राता नितिन गडकरी जी वो कह रहे थे कि हमें कुछ बात करनी है, तो मैंने देखते भैया क्या बात करा है तू हमसे। तो भाई ये हमारे पंजाबी मित्र, कल इन्होंने इतनी दारू पी कि किसने सोची नहीं होगी। कल हम प्रोग्राम पहुंचा, हमें देख के गोली भाग गया। कुछ तेने कितनी पी? मैंने तो, मेरी देख लिमिट नहीं है हमारी लिमिट चेक मत कर, हमारी तेरी लिमिट है, मेरी देख, मेरा बड़ा शरीर है ठीक है, और 26 तारीख को आपका प्रोग्राम है तो आप मत पियो। देख हम पी सकते हैं क्योंकि हमें छूट है आइए दूल्हे राजा आइए। आपने वीडियो देखी अपनी जो लगन पे ट्रक मिला था? हाँ तो आप आ तो गए, अब आप 26 तारीख को आओगे या 22 तारीख को आओगे? चलिए भाई आज फिर हाजिर हो चुके हैं आपके सामने एक नई गाड़ी लेके, हमारे प्रवक्ता हमारे साथ नितिन गडकरी, गाड़ी आज हमारे सामने XUV 700। हाँ जी नितिन पंडित जी, कुछ लिटिल बिट बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? हाँ भाई गाड़ी बहुत अच्छी है हाँ तो ये आज गाइस हमारे बीच में XUV 700 वेरिएंट का नाम है AX5। ओके तो ये है मिड रेंज का वेरिएंट है, हमें तो टॉप लग रहा है, क्यों टॉप में क्या 5 की जगह कुछ और है क्या? नहीं वो उसमें 6 होगा नहीं ऐसे कैसे, मेरे ख्याल से कलर का फर्क है इसमें इसका फिरकी ले रहा है फिरकी, इसे नहीं पता कौन सा वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट है ये ऑटोमेटिक का, टॉप ना है ये मिड वेरिएंट है, ऑटोमेटिक कहां है? देख मैनुअल में है ये, हाँ मैनुअल में है, देख मैनुअल में कह रहा हूँ ना मैनुअल में, फिर तो टॉप कहां होगा, ये मिड वेरिएंट, अबे ये सनरूफ के साथ, ये मैनुअल का टॉप है जहां मैं यहाँ की नीचे की साइड है कैमरा, ये रहा देखो गोल गोल छोटा छोटा सा, पुरानी है रे, पुरानी ना ये क्रोम में जंक लग गया है, ये सेकंड हैंड लिया ना एक्चुअली हमने, क्योंकि सेकंड हैंड लेने में फायदा है, फायदा तो है सेकंड हैंड भाई, ये बात तो माननी पड़ेगी, ये कैमरा एक और ये तो हिल गया लगा गाइस ब्लॉगिंग थोड़ी खराब, डिस्ट्रॉयड सेकंड हो गया ये देखो तो भाई इसमें देखो दरवाजे का डोर ऐसा होता है हैंडल इसका, रुक जा ना जाते दबाने की आदत हो रही है, देखो सॉफ्टली ये लेगो मस्त वाला एकदम, किसे लॉक है पर खुलेगा नहीं अभी, शूट कर क्या दोबारा बोल दोबारा प्लीज, गाड़ी ऐसी ही ऐसी होनी चाहिए और हाथ में सिगरेट होनी चाहिए, यही कह रहा था ना तू, झूठ मत बोला है झूठ मत बोला है, देख रहे भाई साहब इसके शौक, ये एक्चुअली माइल्ड पीने वाले है ना, तो सब माइल्ड पीने वाले ऐसे ही होते हैं देखो खुशी देखो लड़के के भाई, सनरूफ देखो काली हो रही, इसमें ईंट मार दो ऊपर से फेंक के फिर भी नहीं टूटेगी है ना, बड़ी गोल्ड देखो भाई इसके आगे भी कैमरा पीछे भी कैमरा, देखो भाई वैसे एक चीज है पीछे तो सही है, और इसको
साइड में से देखे ना, ये देखो जो इसकी पुच्छी सी निकल रही है ना, बैंड हो रही है कमर इसकी। ये कमर बैंड नहीं होनी थी, ये थोड़ी सी बाहर को होनी थी जब ज्यादा बढ़िया लगती, जैसे पुरानी वाली एक्सयूवी में। हाँ जी, कितनी गाड़ी डिजाइन करी है तूने? मैंने भाई साहब तुझे पता ही क्या, मैंने गाड़ी बनाई है घर में। भाई सीधी बात है, मैं आनंद महिंद्रा जी से कॉन्टेक्ट करूंगा, उनको मेल करके बताऊंगा। भाई आनंद महिंद्रा जी कहेंगे, आनंद महिंद्रा जी से हम बात करेंगे। मैंने की भाई गाड़ी तो बढ़िया बनाई है, टेस्ला के टक्कर पे ऑटोमेटिक चलती है, महिंद्रा होगी ना, एक गेरी एक बोरी, दोनों की कर दे फिर आज। आप बोल, कल तो बहुत बोल रही थी तुम, अब क्यों ना बोल रही? बोल ना, कैसे बोली? अभी जो कह रही वो शराब खेल रहे हैं, अब भैया ने बहन को भी लंगर लेके ठीक कर रखी है। बस